तो बुमराह ने आज छक्का कैसे लगाया रबाड़ा की गेंद के ऊपर वो मैं आपको बताऊंगा। पहले बुमराह को एक शॉर्ट गेंद डाली यहाँ पर रबाड़ा ने, जो जिसको देखकर जसप्रीत बुमराह ने अपना फ्रंट लेग क्लियर किया और थोड़ा सा पीछे हटे, अपना बैट को थोड़ा सा पीछे लेके गए, उसके बाद लेग स्टंप पे एक ज़बरदस्त छक्का जड़ दिया, जिसको देख कर पूरे ड्रेसिंग रूम में मज़ा छा गया, क्योंकि ड्रेसिंग रूम स्पेस जो भी खिलाड़ी थे वो खड़े होकर जसप्रीत बुमराह के लिए ताली बजाने लग गए। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, पहले मारो जैसन ने एक शॉट बॉल कराई थी, उन्होंने ऐसा ही शॉट अटेम्प्ट किया था लेकिन वो फेल हो गए थे। मारो जैसन कुछ खास खुश नहीं हुए और उनसे बातचीत कुछ करने लगी, जिसको देख कर जसप्रीत बुमराह ने भी कुछ बोला और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए, और उसके बाद एम्पायर्स और बाकी फील्डर्स ने उनको अलग करने की कोशिश की। तो गाइस इसके बाद उन्होंने छक्का लगा दिया। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कि मैं ऐसी शानदार वीडियो न्यूज़ अपडेट्स आपके लिए लाता हूं। तो मैं वीडियो में जो आते बहुत चला आपको इस चैनल